दे विद्यार्थी हाँ, जिवें कि सारी दुनिया को पता भी असं पिछले 14 दिन तो 15 दिन तो इस संघर्ष से बैठे हाँ। सिर्फ सारे जेन्युइन मंगा ने भी जिहड़ा खेतीबाड़ी विभाग आ उहदियां भर्तियां ने जिहड़ियां उह संपूर्ण कर दित्तियां जां उहनां दी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दित्ती जावे। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चो असीं निकलदे हाँ, BSc करदे MSc करदे हुण असीं PhDयां कर रहे हाँ। सो जे सानूं जदों कोई टिचा नहीं मिलदा, सानूं गोल नहीं मिलदा, साडा फ्रस्ट्रेशन लैवल पीक पॉइंट ते हो जांदा जी। मैं MSc पैथोलॉजी पास आउट स्टूडेंट हाँ इतों PhD तो मैं अपनी जी BSc एग्रीकल्चर आ वो अपनी इतने PhD से की आ तो उसके बावजूद भी मैंने कोई जॉब नहीं मिली हैगी। तो मैं बहुत ही मुश्किल ना अपनी BSc खेतीबाड़ी और MSc पैथोलॉजी बहुत ही मुश्किल ना की है। मेरे माँ प्यो मतलब मजदूरी का काम करते हैं जी, बहुत औखा होकर मैं अपनी जिंदगी के पल कटे हैं। तो उसके बावजूद भी मैंने कोई जॉब नहीं मिली है। लख लाने सरकार से आम आदमी पार्टी सरकार से, क्योंकि इन्होंने सानू इन्ने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सानू कोई मुहैया नहीं हजे तक करवाया है जी। तो बहुत ही मतलब असी सारे जने विद्यार्थी तो बहुत ही औखे टाइम ना कट रहे हैं। असी मैं PhD दूजे साल की विद्यार्थन हाँ, BSc की 4 साल हो गए, 4 साल की BSc, 2 साल की 2.5 साल की MSc, 2 साल PhD नू होन लगे ने। 8 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, तो अज जिथे खड़े जो PhD करी भी जा रहे हैं अगे ना ही AP दियाँ पोस्टा दिखदियाँ, ना ही ADO दियाँ खेतीबाड़ी विभाग के कोई पोस्टा दिखदियाँ। ए लगता कदे कदे जिवें एमलैसली बस किसी तुरे जाने हुन्ने आ। इन्ने इन्ने साल पढ़ के 10, 11, 12 साल पढ़ के भी जेकर घरे बैठना हत्थां दे विच डिग्रियां लैके हत्थ दे विच कुछ आना नहीं, लखां रुपया की पढ़ाई करके भी वेले बहना, तो मैंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस पॉइंट के उत्ते आके एट प्रेजेंट। MSc का विद्यार्थी हाँ तो मैं BSc करी नूं मैनूं साल तो उपर हो गया, पर अज असीं इत्थे अपने आप संघर्ष कर रहे हैं, सरकारां दे खिलाफ़ लड़ रहे हैं, क्योंकि असीं बेरोज़गार हाँ, सानूं रुजगार की कोई आस भी नहीं, असीं इसलिए संघर्ष लड़ रहे हैं। सो साडी सरकार नूं इह बेनती आ भी पंजाब की इकोनमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड आ, सो पंजाब नूं बचाउण लई खेती नूं बचाउण लई इह भर्तियां की प्रक्रिया छेती तों छेती शुरू की जाए।